राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की ओर से जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में 6 दिवसीय राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी पधारो म्हारे शिल्पग्राम आयोजित की जा रही है। 26 दिसंबर तक चलने वाली प्रदर्शनी में GI टैग पवेलियन अपने आप में अलग पहचान बनाए हुए है। नाबार्ड के सहायक महाप्रबंधक सचिन बालेटिया ने बताया कि GI टैग पवेलियन में जोधपुर बंधेज, वाराणसी के खिलौने, नाथद्वारा की पिछवाई, सांगानेर व बगरू की हैंड ब्लॉक प्रिंट और सोजत की मेहंदी सहित 19 स्टॉल लगाई गई हैं। GI प्रोडक्ट अपने आप में खास हैं, उस अपनी जगह की विशेषता को अपने आप में निहित करे हुए हैं और यहाँ आप आएंगे तो आपको GI प्रोडक्ट की हिस्ट्री, उनके पिक्चर्स और उनकी क्या वीडियोस हैं, स्टोरीज हैं, वो सब आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप उनको खरीद भी सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से अभी जो नाबार्ड ने जो प्रोग्राम चालू किए हैं उसमें GI का जो हमारा टैग का जो सिस्टम चला है, GI टैग से हमको काफ़ी फायदा हो रहा है क्योंकि मशीनरी और हाथ से जो छपा हुआ है उसमें फ़र्क नज़र आने लगा है और हाथ का छपा हुआ की डिमांड ज़्यादा बढ़ी हुई है और अब आजकल इसके काफ़ी डिमांड हो गई और काफ़ी हमको नाबार्ड की तरफ से भी काफ़ी सहायता मिल रही है। वर्ल्ड में भी मेहंदी कहीं नहीं होती है, वर्ल्ड में ओनली फॉर सोजत राजस्थान में ही होती है और किसी जगह नहीं होगी। सोजत के 50 किलोमीटर के इलाके में ये मेहंदी का रंग लाल आता है, बाकी ये बहुत मतलब अपने हाथों में लगाने के लिए, कोई भी त्यौहार पर लगाने के लिए ये मेहंदी उपयोग में ली जाती है, तो इसका रचाव और ये बहुत अच्छा है। अगर आपको इंडिया को एक ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आपके जो बिल्कुल नीचे तबके के लोग जितनी मेहनत कर उनको बढ़ावा मिल रहा है ना, वो इसके थ्रू मिल रहा है। जो आप प्रीमियम लोग या एक्सक्लूसिव चीज़ें ऑनलाइन देखते हैं या बड़े बड़े ब्रांड्स में देखते हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगी।